नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। आई होप कि आप लोग फुल्ली अवेयर हो गए होंगे कि जो आईटीआई रिजल्ट है उसका अभी क्या हाल है। जो यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया है 2018 से 2020 वाले सत्र का, उनके लिए अभी पोर्टल को पूरे प्रॉपर तरीके से डाउन कर दिया है। अभी जो एक्सेस है वो सिर्फ इंटरनल व्यक्तियों को दिया गया है जो एनसीवीटी पर उनकी साइट पर या फिर जो है उस साइट को संभालते हैं। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें बर्बाद कर दिया, हमारा रिजल्ट भी गलत निकाल दिया। कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक लेटर देखा। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर तरीके से आएगा। रिजल्ट जो है दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीजीटी से आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, देखता हूं अगर उनसे बात हो पाती है तो उनसे पूछता हूं कि क्या जो है वो रिजल्ट में किस तरीके का रिवीजन कर रहे हैं। और जो अभी डीजीटी का नोटिस आया था एमएन पांडे जी की तरफ से, देखते हैं कि उस नोटिस पे खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं। मेरे को तो लगता है कि ये जो आप लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड किया हैशटैग जो रिजल्ट है, आप लोगों ने बोला कि हैशटैग रिजल्ट का इफेक्ट पड़े, तो ये जो है इसी की वजह से हुआ है। अगर आप लोग वो हैशटैग रिजल्ट नहीं करते ना ट्विटर पे जाके, तो आप लोगों का रिजल्ट यहां पर नहीं आता। ये यहां पर आप लोगों को बता दूं कि इसी जल्दबाजी के चक्कर में ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है। रिजल्ट जो है गलत तरीके से निकला है, और अभी 2018 से 20 सत्र का ही रिजल्ट निकला है। और आप लोगों को बता दूं ये जल्दबाजी का एक नतीजा है। अगर ये जल्दबाजी ना करते तो रिजल्ट जो है सही तरीके से निकलता। और मैं आशा करता हूं एमएन पांडे जी से और जो हमारे डीजीटी है एनसीवीटी है इनसे कि बच्चों का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द निकाला जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 2018 से 2020 सत्र का रिजल्ट निकालो, आप लोग के पास बहुत ज्यादा समय है। आप लोगों ने पीछे इतना समय जो है देखा है, आप चाहते तो घर पे बैठ के पैंडेमिक की सिचुएशन में बच्चों का रिजल्ट निकलवा सकते थे। आप लोगों को और चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं या फिर जो है कोई और एग्जाम था वो नहीं हुआ है, उसकी वजह से बच्चा वहां पे फेल दिखा रहा है। तो इसके लिए अभी बहुत सारे नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो आप लोग परेशान मत होइए, जैसे ही एक भी नोटिस रिलीज होता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोगों से वादा करता हूं कि हमारे दोनों चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान और हमारा गौरव जंक्शन जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इन चैनल पर मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा। और जो इन्फॉर्मेशन है ना थोड़ा लेट आएगी लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगी। एक चीज और, अब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर, सारे आईटीआई वाले बच्चों का जिनका पेंडिंग है। अब आप लोगों को करियर में क्या करना है, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, कुछ बच्चे फेल भी होंगे, मैं दुआ करता हूं भगवान से कि बच्चे फेल ना हो, जिनका यहाँ पर सिचुएशन खराब होती है तो हम उस पर देखेंगे कि क्या करना है। अब आईटीआई वाले बच्चों को जीवन में क्या करना है, हो गया आईटीआई रिजल्ट आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सदमा लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का आईटीआई रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इस आईटीआई रिजल्ट लेने के बाद आप लोगों को जीवन में क्या करना है, ऐसी चीजों को जीवन में क्या करना है, इन चीजों को संभालने के लिए करियर में आगे बढ़ने के लिए हमारे दोनों चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोगों से वादा करता हूं दोनों चैनल पर आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग के करियर पर उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप ध्यान देते हैं। अगर आप नेगेटिव ध्यान देंगे, मतलब नेगेटिव तरीके से चलेंगे, सोचेंगे कि आईटीआई करके हम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं हुआ हमारा आईटीआई करके, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों का जिनके मन में पॉजिटिव सोच रहेगी, आप लोगों से वादा करता हूं कि उनका हमेशा मैं साथ दूंगा। नेगेटिव सोच वाले चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच वाले चैनल से हमेशा जुड़े रह सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 4 साल में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल की मदद से हमने आईटीआई वाले बच्चों का उद्धार किया, ये नहीं बोल रहा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि कॉल करता हूं तो कॉल से पता चलता है कि बच्चे का सिलेक्शन चैनल की वजह से हुआ है, तो बहुत अच्छा यहां पर फील होता है। तो उसी तरीके से ये जो 2021 में समय बचा है इसमें भी हम प्रॉपर तरीके से मदद करेंगे। और जो CITS वाले बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए, सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर देम, क्योंकि उन बच्चों के लिए यहां पर बहुत कम चैनल है जो मदद करते हैं। आप लोग खुद ही जानते हैं यूट्यूब पर कौन सा चैनल सबसे पहले था और कितने समय से आप लोगों की मदद कर रहा है। ये तो एल्गोरिदम ने थोड़ा सा पिछाड़ रखा है, अगर एल्गोरिदम थोड़ा सा अच्छा होता तो चैनल की जो पहुंच है वो बहुत अच्छे लेवल तक जाती। आके चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, और रिजल्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा भाइयों, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। हमारी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद है और कॉन्ग्रेचुलेशन यार, रिजल्ट आया आप लोगों का। आई होप, आशा करता हूँ कि 2018 से 2020 सत्र के अलावा भी रिजल्ट आएगा, और जिन बच्चों का बैक पेपर है उनका भी रिजल्ट आएगा जल्दी से जल्दी। कुछ के एग्जाम्स भी पेंडिंग है, आई होप कि वो भी क्लैरिटी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। और जिन बच्चों के एग्जाम पेंडिंग है, मैं तो दुआ करता हूँ कि भगवान उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आईटीआई
में अगर प्रमोट कर देंगे तो सरकार पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, सारे बच्चों को मिलके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको प्रमोट करेंगे तो दूसरा बच्चा बोलेगा कि हमें क्यों नहीं प्रमोट किया दूसरी क्लास का, तो ये थोड़ी हीन भावना आ जाएगी। इससे निपटने के लिए आप लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। बस यही है मेरे पास गौरव जंक्शन चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि चैनल पर आप लोगों को करियर से रिलेटेड गाइडेंस आपके रिजल्ट के बाद जरूर देना शुरू कर दूंगा आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।